महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सीईओ की कहानी। भारत के प्रसिद्ध मल्टीनेशनल महिंद्रा ग्रुप का हेड क्वार्टर मुंबई में है। महिंद्रा कंपनी भारत में ऑफ रोड वाहनों और कृषि ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस ग्रुप के चेयरमैन है आनंद महिंद्रा और उनका जन्म 1 मई 1955 में हुआ था। सीईओ ऑफ द ईयर जैसे पुरस्कारों से नवाजे गए आनंद महिंद्रा के पिता हरीश महिंद्रा एक उद्योगपति थे और उनकी मां इंदिरा महिंद्रा एक गृहिणी थी। 67 वर्षीय अरबपति आनंद के दो भाई बहन हैं अनुजा शर्मा और राधिका नाथ। आनंद की पत्नी का नाम अनुराधा महिंद्रा है। अनुराधा एक पत्रकार है जो एक लाइफ स्टाइल मैगजीन की फाउंडर, एडिटर और पब्लिशर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की शुरुआत आनंद महिंद्रा के दादाजी जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद महिंद्रा ने की थी। ये कंपनी पिछले 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। ये भारत की कंपनी है और इस समय 100 से भी ज्यादा देशों में काम करती है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1945 को लुधियाना पंजाब से की गई। एजुकेशन और करियर। आनंद महिंद्रा ने लॉरेंस तमिलनाडु से पढ़ाई की है और विलियम पटेल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फिल्म निर्माण और आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री ली। आनंद महिंद्रा ने अपने करियर की शुरुआत महिंद्रा यूजीन स्टील कंपनी लिमिटेड MUSCO के साथ फाइनेंस डायरेक्टर के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में की और कुछ वर्षों बाद MUSCO के अध्यक्ष और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने। 1991 में वे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। अपनी प्रतिभा और कौशल के रूप पर 1997 में कंपनी का प्रबंध मैनेजर होने का गौरव हासिल किया। 2002 में उनके क्रिएटिव आइडिया के दम पर कंपनी ने स्कॉर्पियो नाम की 4-व्हीलर लॉन्च की। उसके बाद 2010 में महिंद्रा ने थार नाम की 4-व्हीलर लॉन्च की जो कि आज भारतीय सड़कों की शान बनी हुई है। और फिर 2003 में वाइस चेयरपर्सन के रूप में पदोन्नत हुए और बहु उसी साल कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के सह प्रमोटर बने, जिसे बाद में आनंद महिंद्रा ने कोटक महिंद्रा बैंक के रूप में बदल दिया और आज की तारीख में कोटक महिंद्रा बैंक की गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट बैंकों में की जाती है। अगस्त 2012 में वे अपने चाचा कैशव महिंद्रा के पद छोड़ने के बाद महिंद्रा समूह के बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने। 4 साल बाद उन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया गया और महिंद्रा समूह के अध्यक्ष के रूप में जारी रखा गया। आनंद महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक के को प्रमोटर थे, लेकिन 2013 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। हालांकि उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम करना जारी रखा। आनंद महिंद्रा ने 2014 में अपने जीजा और स्पोर्ट्स कमेटी में चारू शर्मा के साथ प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की। उन्होंने मुकेश अंबानी और महेश समक के साथ मिलकर 2014 में एक भारतीय टेलीविजन चैनल एफएम स्थापना की। 2 साल बाद अंबानी और समक ने अपनी हिस्सेदारी आनंद महिंद्रा को भेज दी। वर्तमान में महिंद्रा समूह 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संगठन है और भारत के शीर्ष 10 कॉर्पोरेट घरानों में से एक है। आनंद को कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। उन्हें बिजनेस फील्ड में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2004 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया। 2004 में फिर उन्हें फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। 2005 में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा लीडरशिप अवार्ड, 2006 में आनंद को CNBC एशिया द्वारा बिजनेस लीडर अवार्ड भी दिया गया। महिंद्रा ग्रुप किस किस क्षेत्र में काम करता है? महिंद्रा ग्रुप एरोस्पेस, एग्री बिजनेस, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, डिफेंस, एनर्जी, फार्म इक्विपमेंट, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीजर एंड हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, रिटेल जैसे क्षेत्रों में काम करता है।